Hi guys, good morning. And today is Sunday. So what you have to do today? Basically, you have to write the mock test. आज मॉक का दिन है, तो मॉक लिखना है और उसकी एनालिसिस करनी है. सो 100 मिनट्स का मॉक प्लस 2 घंटे की एनालिसिस. तो आज दो चार से पाँच घंटे जाएंगे आपके मॉक लिखने में और एनालिसिस में. तो ये आपको काम करना है आज. और जो भी हमने लास्ट वीक में प्रिपेयर किया, मतलब वेडनेसडे से हमने चालू किया था, राइट, वेडनेसडे से लेके साइडे तक जो हमने प्रिपेयर किया उसका रिविज़न. तो स्पीड, मैथ्स एंड परसेंटेज, ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था. तो इट्स ओके, दो टॉपिक एटलीस्ट अपना कवर हो गया है. तो परसेंटेज का रिवीजन ले लो, और अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया आपका प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन करना है तो वो कर लो, ठीक है. तो परसेंटेज पे थोड़ा वर्कआउट कर लो, उसके बाद ही मॉक लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड मॉक जब भी लिखोगे तो उसके एनालिसिस अच्छे से करना. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है. चाहे आप फर्स्ट मॉक लिख रहे हो या सेकेंड मॉक, आपका मॉक लिख के हो गया तो सेकेंड मॉक लिखो, थर्ड मॉक लिखो. बट आपने को संडे का टाइम फिक्स कर देना है. और आई सजेस्ट कि जो आपका टाइम स्लॉट है एग्ज़ाम का टाइम जो होता है 2:00 से लेकर 3:40 तक का टाइम, ये टाइम पे ही मॉक लिखो. यही टाइम पे आपका टेस्ट का भी एग्ज़ाम होगा. सो आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट सी वेर यू स्टैंड. स्कोर कम आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीमोटिवेशन मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मॉक लिखना है अपने को, ये कंटिन्यू रखना है. अपने पास 25 मॉक है यार, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. और स्कोर कम आएगा तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो. लॉजिक जो आपका है, लॉजिक मैथ्स कंबाइंड, वो वाली सेक्शन में कहाँ कहाँ पे आपका स्कोर बन रहा है ये लिस्ट, इंग्लिश को लेकर के सेम जीके को लेकर, ये आपके पास लिस्ट रेडी होनी चाहिए. स्ट्रांग, ओके, वीक, हेट, ये अभी से चालू कर दो, ठीक है. और ग्रामर जो हमने किया था वो रिविज़न. ग्रामर में हमें नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल, वर्ब, ये किया था, राइट. एंड जीके का जो आपने कंप्लीट किया है जैन मंथ का और फैब मंथ स्टार्ट किया हुआ है, वो रिविज़न का पार्ट कर लो. मतलब वो रिवीजन कर लो, अगर हो सके टाइम मिल रहा है तो फैब का सेकेंड वीक स्टार्ट करना है तो कर दो, अदरवाइज आपको कल करना पड़ेगा वो. कल फिर दो वीक टू एंड वीक थ्री करना पड़ेगा. सो ये आपको आज के दिन कंप्लीट करना है. सो 7:00 मॉर्निंग टाइम है अभी, फ्रेश हो जाओ और प्लान ले लो कि आज मॉर्निंग में ये सब काम करना है. सो आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट थोड़ा आपको ये समझ में आएगा कि आप सच में प्रिपरेशन अपने से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन करें, जितने लोग पास मेन्यूअर का पोर्टल है, आपको फिर से उसी टॉपिक को लेके वीडियोस देखने हैं जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया, अगर उसमें स्कोर नहीं आया तो. और 2 महीना बचा हुआ है तो उसको हमें अच्छे से यूज़ करना है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट, मेंटरशिप, कोचिंग लगेगा तो यू कैन जॉइन अस. सो अभी जो बैच लॉन्च हुई है वो टिस एक्सप्रेस बैच है, वीकेंड बैच है. अभी लोग बोले सर वीकेंड होगा तो कैसे कंप्लीट होगा, तो यार सैटरडे और संडे है, 6 आवर होने वाले हैं यहाँ पे, 2 आवर्स यहाँ पे, 4 आवर्स. तो 6 आवर आप प्रिपेयर करने वाले हो. और टिस 50 वीकेंड है या 3 डेज होगा, 3 to 4 डेज मैक्सिमम जाएगा ये. तो दोनों बैच अपना टाइम पे ही खत्म होने वाला. एंड दूसरा चीज़, सिलेबस अपना एग्जाम के बिफोर खत्म होने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, एग्जाम्स जब भी आपका नियर होता है तो थोड़ा सेशन ज़्यादा हो जाएंगे आपके, बस यही होगा. संडे को शायद सेशन एडिशनल हो जाए या तो फिर आपके सेशन नंबर ऑफ डेज बढ़ जाए, ये होगा. बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वीकेंड बैच है तो आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा. नंबर ऑफ वीक काउंट कर लिया एग्जाम तक, अच्छा इतने ही वीक हो रहे हैं. लाइक अभी दिसंबर चल रहा है, जैन मिला लिया तो सैटरडे संडे 8 वीक्स, और यहाँ अपने दिसंबर के कुछ वीक्स और जैन के फैब के वीक्स, तो वो काउंट करके इतने लेक्चर में कैसे होगा, ऐसा नहीं है. तो लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम आता है तो वीक, तब फिर वीकडे वीकेंड नहीं देखते, फिर लास्ट मोमेंट पे अपने को ख़त्म करना. बट अभी के लिए ये है कि अपना जो फ्लो चल रहा है वो फ्लो चलेगा. लास्ट मोमेंट पे अपने को थोड़ा सा सेशन जैसे जीके के वीकेंड्स में हो जाएंगे आपके, या तो फिर आपके लास्ट मंथ पे लेक्चर्स आपके मंडे टू फ्राइडे हो जाएंगे. तो लास्ट मंथ पे अपना जो 1 महीना है एग्ज़ाम का, उस समय वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, आपको 1 महीने का ब्रेक लेना है, छुट्टी लेनी है. 1 महीना या 20 दिन का यार छुट्टी को लेना पड़ेगा अपने को. तो जितने भी आपके कैजुअल लीव, सीक लीव, जो जो बची हुई है सब जमा करके रखो, उस समय काम आएगी. सो दोज़ यू वांट टू जॉइन अस, काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. अभी टिस एक्सप्रेस बैच अभी से लॉन्च हो गई, तो फटाफट टिस एक्सप्रेस से चालू करो, डोंट डिले. और टेस्ट 50 दिसंबर एंड आ रही है बैच ये, तो अगर आपको सीट बुक करना है तो बुक योर सीट. बट अभी के लिए टेस्ट एक्सप्रेस से चालू करो. और क्लासरूम बैच भी आ गई है, तो उसका भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया. अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो बोरीवली, दादर, वसई सेंटर पे यू कैन विजिट. सो यू कैन जॉइन अस फॉर द क्लासरूम और स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो वन सेकेंड गाइस, जो अपन डेली रूटीन कर रहे हैं, जो 2 आवर्स लगाते हैं अपन, न्यूज़पेपर हो गया आपका, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके हो गया, 1 RC, वो आपको कंटिन्यू मोड में रखना है, ठीक है. अभी RC का हैंडआउट्स को लेके मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो अगर आपने इंग्लिश का ओवरऑल सेक्शनल कोर्स आपके पास है, या तो आपके पास ओवरऑल मेन्यूअर का पोर्टल है टेस्ट को लेके, या तो लाइव क्लास आपने ज्वाइन किया, तो आपके पोर्टल पे हैंडआउट्स, सेपरेटली हैंडआउट्स नहीं मिल पाएगा आपको. मतलब कोर्स यू हैव टू टेक इट फॉर द इंग्लिश, एंटायरली इंग्लिश.
सो फ्रॉम देयर यू कैन कम्प्लीट योर इंग्लिश का पार्ट एंड ये वीडियो शेयर कर दो सारे लोग को यार, मतलब सबको बेनिफिट होना चाहिए। अगर ये रूटीन फॉलो करते हो तो जो स्पीड वाइज जो हम जा रहे हैं वो स्लोली स्लोली एक पेस में जा रहे हैं, एक मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ओके प्रिपरेशन भी हो रही है बट बर्डन सम भी नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी कोई कोई दिन ज़्यादा टॉपिक होते रहेंगे या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, जैसे जीके के 2 वीक 1 वीक 2 कम्प्लीट करना है तो होता है, बट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, किसी दिन लाइट होगा किसी दिन हैवी होगा, तो यू हैव टू बैलेंस अकॉर्डिंगली। तो ये डे 5 आज अपना संडे है, मॉक लिखो एंड देखो क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।